बजे 6:50 तक यह एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, हम अंदर था 7 बजे के नीचे नीचे आवाज़ आया, काफ़ी आवाज़ आया ट्रेन का अंदर। हमने तो सोचा था क्या आवाज़ें करके पूरा बाहर आके, बाहर आ नहीं पाया। चलते चलते तो सबका खवराट हो गया। वो भगवान का नाम लिया है, मैं बोला कोई चिल्लाना नहीं तो कुछ हो गया होगा, पटरी से गाड़ी उतर गया होगा, डरना नहीं, अब बैठे रहो मैं बता दूंगा। बोल गाड़ी धीरे धीरे स्लो हुआ, वो एक एक पेटी थोड़ा दबते दबते आया। मैं B7 में था, AC कोच में, AC में 2-3 टप्पा पहले भी थोड़ा इतना छोट नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे रुक गया, पूरा रुक गया। रुकने के बाद मैं गेट खोल के उतारा, बाहर उतारा, बाहर उतार के देखता बहुत बुरा हाल है। पूरा गाड़ी, 2-3 गाड़ी सामने आया, दुरंतो एक्सप्रेस बेंगलुरु दुरंतो, अरे ये कोरमंडल एक्सप्रेस है, उसका आगे किनारा की तरफ गुड्स का, गुड्स गाड़ी एक, तीनों का एक्सीडेंट हो रखा। मैं समझ गया था, समझ के फिर सोचा एक्सीडेंट हो गया करके। फिर अंदर अंदर गाड़ी का अंदर जो गिरा था उनका थोड़ा उठा के फिर गेट खोल के मैं सबका नीचे उतारा। उतारने के लिए थोड़ा मदद किया, हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा नीचे करके, फिर अपना लगेज लेके बाहर साइड करके, फिर आगे जाके देखा बंदा कुछ बुड्ढा गड्ढा था, चल नहीं पा रहा, उसका थोड़ा मदद किया। मदद करते उससे पहले मैं अपना सेकेंड NDRF SM साहब को, सूबेदार मेजर, उनका खबर दे दिया, मैं ऐसी ऐसी हो गया, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी में आया जो हमारे कोरमंडल एक्सप्रेस है, एक्सीडेंट हो गया करके। फिर हमारा SM साहब आगे की कार्रवाई करके जो जिसका बताना था बता के, फिर उड़ीसा में एक NDRF था नज़दीक से, नज़दीक में, उनका खबर दिया, वो आने में एक घंटा लगा। 1 घंटा तक मैं अपना काम करते रहा, और कहीं कहीं मेरे को फ़ोन आते रहा बीच बीच में, न्यूज़ वाला फ़ोन किया, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से पहुँचा, लेकिन मेरा मोबाइल में कॉल आते रहा इसका, बीच में तो मदद भी करते रहा। 10-15 मिनट में बहुत सारा लोग, सिविल लोग पूरा आ गया अंदर, सिविल लोग अपना काम करने लगा, सिविल लोग बहुत मदद किया उनने, सिविल लोग अपना घर से पानी ले कर पिलाया, और कोई जो मेडिकल वाला दुकान था उन्होंने भी थोड़ा फर्स्ट एड किया, फर्स्ट एड किट पर्स था उनके पास, उससे थोड़ा मदद कर, वो थोड़ा खून खून जिसका आ रहा है उसका पोंछ काछ के थोड़ा बहुत बैठा के रखा था। फिर धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट आने लगा, पुलिस वाला आ गया, फायर सर्विस आ गया, NDRF आ गया। 1 घंटा में NDRF आने के बाद NDRF के साथ थोड़ा सामान वामान में उतारने में मदद किया। फिर 12 बजे तक ये ऑपरेशन चलते रहा।